हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्म समरूप है या नहीं। यदि है तो समरूपता की कसौटी लिखिए, साथ ही समरूप त्रिभुजों के जोड़े को संकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर, इसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कंपेयर करते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ, दो, ठीक है। तो इसके अनुसार मिलाते हैं, यहाँ पे दो दूना चार, तो यहाँ पे मैच कर जा रहा, ठीक है, दो दूना चार। यहाँ पे तीन दिया हुआ, ठीक है, तो तीन तीन दूना छः, यहाँ पे मैच कर जा रहा, तीन दूना छः। यहाँ पे क्या दिया हुआ, अढ़ाई दिया हुआ, ठीक है, 2.5 यानी अढ़ाई, अढ़ाई दूना पाँच, तो इसके साथ ये मैच कर रहा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए बी दिया हुआ, तो ए बी, चूंकि ए बी बाय क्यू आर, ए बी बाय क्यू आर क्यों नहीं है, तो यहाँ ए बी दो है, दो दूना चार, कहाँ पर आ रहा, इसमें आ रहा क्यू आर में, इसलिए यहाँ क्यू आर यहाँ पे चार है, ठीक है। तो ए बी बाय क्यू आर लिखेंगे, ठीक है, और ए बी का मान यहाँ पे कितना दिया, दो, तो यहाँ पे दो लिखते हैं, और क्यू आर का मान यहाँ पे चार दिया, तो चार लिखते हैं। अब दो दूना चार यहाँ पे काटते हैं, ठीक है, दो बार में कट जाता है, तो 1/2 आ गया। उसी तरह से दूसरा लिखते हैं, ए बी हो गया, अब लिखते हैं बी सी, बी सी कितना दिया, 2.5, तो यहाँ बी सी लिखते हैं, यहाँ पर 2.5, बटन में पी आर, क्योंकि अढ़ाई दूना पाँच कौन सा, तो ये पी आर, ठीक है, पी आर है, तो यहाँ पर पी आर लिखते हैं, तो अढ़ाई दूना पाँच। फिर से इसको हम काटते हैं, तो दो बार में कट जाता है, यानी यहाँ टू आता है और ऊपर में वन आता है, ठीक है, तो 1/2 आया, तो यहाँ भी 1/2 लिखते हैं। अब तीसरा, ए बी हो गया, बी सी हो गया, तीसरा क्या हो, ए सी, ठीक है, ए सी है, यहाँ पे क्या, तीन, तो तीन दूना छः, यानी ए सी बटा पी क्यू होगा, तो यहाँ लिखते हैं ए सी बटा पी क्यू, यानी तीन बटा छः, यानी तीन दूना छः, दो बार में ये भी कट जाता है, ठीक है, तो 1/2 होता है यहाँ पे, तो 1/2 लिखते हैं। अब ए बी बाय क्यू आर बराबर 1/2, बी सी बाय पी आर बराबर भी 1/2, और ए सी बाय पी क्यू बराबर भी 1/2, यानी तीनों क्या है, सेम बराबर आ गए, तो यहाँ लिखते हैं ए बी बाय क्यू आर बराबर बी सी बाय पी आर बराबर ए सी बाय पी क्यू, यानी तीनों बराबर हो गया। इसलिए समरूपता की कसौटी कौन सा लगा, एस एस एस, यानी भुजाएं क्या है, सब समान हो गया, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसलिए ए बी सी और पी क्यू आर क्या, दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हो गया, दोनों समान हो गया, क्योंकि इसकी भुजाएं क्या है, समानुपाती हो गया, ठीक है। अब इसका आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।